तो जी आखिरकार वही हुआ जिस बात का सभी को डर था। विराट कोहली ने बची हुई इंग्लैंड सीरीज में खेलने से मना कर दिया है। बीसीसीआई को इन्फॉर्म कर दिया है कि वो बाकी के बचे हुए 3 टेस्ट मैचेस भी नहीं खेल पाएंगे ड्यू टू पर्सनल रीजंस। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हैदराबाद में जो पहला टेस्ट मैच हुआ था उसकी शुरुआत में जो ट्रेनिंग सेशन हुआ था उसमें विराट कोहली ने हिस्सा लिया था और तभी उन्होंने कप्तान रोहित शर्मा से, कोच से, टीम मैनेजमेंट से बात करके अपनी इस इच्छा को जाहिर किया था कि घर के कुछ पर्सनल रीजंस हैं, उनकी कुछ प्रायोरिटीज हैं जिस कारण से कि वो नेशनल टीम के अपने सिलेक्शन को थोड़ा सा होल्ड करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो अपने परिवार के साथ समय बिता सके। पहले 2 टेस्ट मैचों से उन्होंने अपना नाम वापस ले ही लिया था और बचे हुए 3 टेस्ट मैचेस में भी उनके नाम के ऊपर स्पेक्युलेशन थी, खेलेंगे नहीं खेलेंगे, फिर समझ में आया तीसरा चौथा नहीं खेलेंगे पांचवा खेलेंगे। लेकिन अब अल्टीमेटली बात यही निकलकर सामने आ गई है कि जो इंडियन बैटिंग टीम इस समय ऑलरेडी स्ट्रगलिंग कर रही है उसको और ज्यादा स्ट्रगल शायद करना पड़ेगा क्योंकि अब विराट कोहली टीम को सर्विसेज नहीं दे पाएंगे। लेकिन उनकी गैर मौजूदगी का फायदा यहां पर 2 खिलाड़ियों को मिल सकता है और वो है रजत पाटीदार और सरफराज खान। इन 2 खिलाड़ियों के पास में अब मौका है कि अगर अब उनको टीम में जगह मिलती है तो बिल्कुल अथॉरिटी के साथ वे अपना प्रदर्शन करें और बता दें दुनिया को कि भैया विराट कोहली के बिना भी टीम इंडिया आगे बढ़ सकती है। पिछले कुछ दिनों में विराट कोहली के सीरीज में हिस्सा ना लेने के कारण वैसे भी ये डिबेट अब काफी बड़ी हो चुकी है कि आखिर विराट कोहली पर्सनल रीजंस के कारण इतनी बड़ी सीरीज को कैसे मिस कर सकते हैं, क्योंकि ये विराट कोहली के करियर के शुरुआत होने के बाद में पहला ऐसा इंस्टेंस है जब किसी होम सीरीज में विराट कोहली भाग नहीं ले रहे हैं। पिछले 15 सालों में विराट कोहली ने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए जो कुछ किया है, भारत के लिए जो कुछ किया है, वो वैसे भी ऐसा योगदान है जिसको कि शायद रिपे नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में ये डिबेट अब शुरू हो चुकी है कि भाई विराट कोहली का पर्सनल रीजंस के कारण इतनी बड़ी सीरीज को मिस करना क्या वाकई में सही है या गलत है। दरअसल बात सिर्फ इतनी नहीं कि विराट कोहली नहीं खेले, दरअसल विराट कोहली जिस ब्रांड का क्रिकेट खेलते हैं प्लस जितनी बड़ी हाइप वो अपने साथ लेकर चलते हैं, उनके मैदान के ऊपर जो उनका एटीट्यूड रहता है, जो ऑरा उनके इर्द गिर्द रहता है, जो खिलाड़ी उनसे मोटिवेट होते हैं, जो विपक्षी टीम उनसे डरती है, कई सारी चीजें हैं जो कि एक साथ विराट कोहली के साथ एक पैकेज में आती हैं। और विराट कोहली को अगर हम एक टीम से निकाल दें तो कहीं ना कहीं उस टीम से वो मसाला निकल जाता है, थोड़ी सी वो जो टीम है वो फीकी हो जाती है। इस इंग्लैंड सीरीज में उम्मीद की जा रही थी कि हमको एंडरसन वर्सेस कोहली देखने के लिए मिलेगा, वो भी नहीं हो रहा है। लेकिन यहां पर बुमराह ने एक तरफा अपने तरीके से सीरीज में जान डाल दी, फिर हमने जायसवाल का दोहरा शतक भी देख लिया, शुभमन गिल की वापसी भी देख ली। तो ऐसा नहीं है कि टीम इंडिया कहीं से कहीं तक भी बुरा खेल रही है, बट कोहली कोहली है, कोहली के टीम में आते ही टीम का जो बैलेंस है वो अलग ही लेवल पर पहुंच जाता है। और देखिए आप माने या ना माने अभी हम लोग इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के ऊपर कुछ ज्यादा ही डिपेंड कर रहे हैं। एक टीम जो कि 11 खिलाड़ियों से मिलकर बनी उसके कलेक्टिव एफर्ट्स निकल कर कब सामने नहीं आ रहे, और यही कारण है कि पहली इनिंग में यशस्वी ने बना दी, दूसरी इनिंग में गिल ने बना दिए, फिर बुमराह ने विकेट ले लिए, ऐसे कर करके बस टीम आगे बढ़ रही है। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि जब कोहली वापस आएंगे तो इंडिया की जो बैटिंग है वो तो एटलीस्ट एक अच्छे लेवल पर पहुंची जाएगी, बट वो भी हो ना सका। अब इसके बाद में जो हम बार बार डिबेट की बात कर रहे हैं, चाहे हम डेल स्टेन की बात कर लें, नासिर हुसैन इंग्लैंड के जो उनकी बात कर लें, कई सारे विदेशी क्रिकेटर्स ने इस बात की वकालत करी है कि कोहली का ना खेलना ठीक है अगर वो नहीं खेलना चाह रहे हैं तो। लेकिन यहां पर मैं इस बारे में नहीं बोल रहा हूं कि कोहली खेले ना खेले, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि विदेशी खिलाड़ी तो भैया देखिए ऐसा बोलेंगे ही, क्योंकि इंग्लैंड की टीम अगर विराट कोहली का सामना करेगी तो ऑब्वियस सी बात उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, तो वो तो भाई साहब ऐसा बोलेंगे। खैर इसके अलावा सबसे बुरी खबर और निकल कर आई है, यूं कहे कि एक खबर ऐसी थी जो कि आनी थी, वो ये कि श्रेयस अय्यर को टीम से बाहर कर दिया गया है। श्रेयस अय्यर का कहना था कि भैया 30 बॉल फॉरवर्ड डिफेंस में खेलने के बाद में मुझे पीठ में दर्द होने लगता है, तो मैं 30 बॉल से ज्यादा खेल नहीं पा रहा हूं। इसलिए अय्यर साहब का जो किट बैग है वो वाइजैग से राजकोट नहीं गया, वो मुंबई चला गया और वहां से बताया जा रहा है कि अब वो एनसीए जाएंगे और अपनी रिकवरी के ऊपर काम करेंगे। इसके अलावा 3 टेस्ट मैचों में बचे हुए जो टेस्ट मैचेस हैं उनमें केएल राहुल और रविंद्र जडेजा की वापसी पूरी पूरी पॉसिबिलिटी के साथ में हो सकती है, जिसमें कि केएल राहुल तो पूरी तरह फिट है, जडेजा के फिटनेस के ऊपर थोड़े सवाल है, लेकिन उनको टीम में शामिल किया जाएगा और जैसी भी उनकी फिटनेस होगी उसके ऊपर डिसाइड किया जाएगा कि बंदा टीम में खेलेगा या नहीं खेलेगा। और सबसे जरूरी बात तो मेरे को बस यहीं पर यही लग रही है कि रजत पाटीदार और सरफराज के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। विराट कोहली की गैर मौजूदगी में मौका है दोनों के पास में कि वो परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अच्छा एक बड़ी खबर और यहां पर निकल कर आ रही है कि आवेश खान जो कि इस समय टीम के साथ चलते चलते बेंच को गर्म कर रहे हैं, उनको लेकर बीसीसीआई ये फैसला ले सकता है कि अब आवेश को रिलीज करके बोला जाए कि आप रणजी में जाकर खेलें। वहीं एक और बॉलर है आकाशदीप, अक्षदीप नहीं, आकाशदीप, जो कि इस समय इंग्लैंड लॉयंस के अगेंस्ट खेले थे इंडिया ए की तरफ से और उस समय उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस काफी बेहतर रही थी, 8 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेट लिए थे और 1 मेडन डाला था।
आपको बता दूं कि इसी मैच में रजत पाटीदार ने भी सेंचुरी मारी थी और इसीलिए उनको भी टीम में सेलेक्ट किया गया है। तो एक और सिलेक्शन वहीं से निकल कर आया, आकाशदीप का। हालांकि ये बात है कि जो पेस डिपार्टमेंट है वो सिराज और बुमराह ही संभालेंगे, बट आकाशदीप को इंक्लूड इसलिए किया जा रहा है कि आकाशदीप की थोड़ी ग्रूमिंग हो सके टीम के साथ घूमने के कारण। वहीं जसप्रीत बुमराह को जो बाहर निकालने की बातें चल रही थी कि भाई वर्कलोड मैनेजमेंट किया जाएगा, थोड़ा उनको टीम से बाहर रखा जाएगा, उसको लेकर अब ऐसा लग रहा है कि अब पूर्ण रूप से शांति आ जाएगी, क्योंकि विराट कोहली के ना रहते में कोई तो इंपैक्ट प्लेयर बचे, कहीं से तो चीजों को संभाला जाए। तो ऐसे में बुमराह को लेकर यह फैसला किया जा सकता है कि भाई बुमराह अब टीम से बाहर नहीं जाएंगे, टीम में बने रहेंगे, और सिराज और बुमराह के ऊपर अब पूरी दारोमदार रहेगा कि वो पेस बैटरी को किस तरीके से संभालते हैं। बाकी स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो कुलदीप यादव ने पिछले मैच में जिस तरह का परफॉर्मेंस दिया है और अश्विन, इन दोनों को तो बाहर शायद ही निकाला जाएगा। हालांकि तीसरे स्पिनर के रूप में अक्षर को खिलाया जाएगा या जडेजा को, ये जडेजा की फिटनेस के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि अक्षर पटेल उतना बॉलिंग से कंट्रीब्यूट कर नहीं पा रहे जितनी की उनसे उम्मीद की जा रही थी। तो ऐसे में ये कुछ चीजें हैं जो कि सब इंडियन टीम को लेकर चल रही हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो मुझको एक चीज निकलकर लगी है वो बस ये है कि श्रेयस अय्यर की बैटिंग लगातार नीचे की तरफ जा रही है। देखिए 8 से 10 महीने पहले बंदे की बैक इंजरी का ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद से ही लगातार अटकड़े लग रही है कि अय्यर की परफॉर्मेंस अब उतनी बेहतरीन नहीं रह जाएगी। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो कि यहां पर चल रही हैं। इसके अलावा अभी टीम अनाउंस हुई नहीं है, बट ये कुछ अपडेट्स है जो कि लगातार निकल कर आई है। तो अब आप मुझे बताइए आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है, और विराट कोहली का ना खेलने से आप लोग कितना सहमत है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल नहीं, जय हिंद जय भारत।